हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 स्टार्ट कर दी है। एंड इसका यूनिट 1 का ए चैप्टर जो कि बेंजीन के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन थी, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें देखने वाले हम बी चैप्टर, तो वो है बी चैप्टर आपका रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। एक एक करके सारी रिएक्शन की बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। मैंने आपको पीछे वीडियो में क्या बताया है, बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि एडिशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 3 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि डीलोकलाइजेशन शो करते हैं, ठीक है? तो उसी वजह से ये एडिशन रिएक्शन देने में सक्षम नहीं होता है, ये देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बात करेंगे इसकी। बेंजीन हैज़ ग्रेट स्टेबिलिटी ड्यू टू कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। मैंने आपको बता दिया यही है। द एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व लॉस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो स्टेबिलिटी विल। अब देखिए, एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता है? अगर ये बेंजीन एडिशन रिएक्शन दे देगा तो इसकी डीलोकलाइजेशन जो होगी इलेक्ट्रॉन की, वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगी, तो इसलिए, और इसकी स्टेबिलिटी भी लॉस होगी फिर, तो इसलिए एडिशन रिएक्शन देने में सक्षम नहीं है। तो बेंजीन विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप बिल्कुल इससे वाकिफ हो गए क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जो किसी भी कंपाउंड को अदर कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बेंजीन में तो बाहर रहते हैं हाइड्रोजन, तो अब कोई अदर कंपाउंड आएगा, वो हाइड्रोजन को ही रिप्लेस कर देगा, वही होती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका एक जनरल मैकेनिज्म, किसका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। आखिर ये हो क्या चाहिए, और ये जो मतलब मैकेनिज्म है, ये सब पर लागू होगा, सारी रिएक्शन पर यही मैकेनिज्म शो होगा, ठीक है? 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो बेंजीन होता है उस पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करता है, ठीक है? एंड देखिए, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर अटैक करा, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है? कमी हो रही है, तो मतलब आया है एक भी एटम कोई बाहर से, तो मतलब अधिकता हो रही है ना इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज से शो कर दिया है। एंड यहाँ पर देखिए, जो जुड़ा है इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला जुड़ गया, हाइड्रोजन एटम पहले से ही है, तो अब ये हाइड्रोजन एटम बाहर निकलने की कोशिश करेगा। कोई भी हमारा नेगेटिव आयन होगा, हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है, तो इसीलिए कोई भी नेगेटिव चार्ज इसको ईजिली बाहर ले जाएगा। एंड ये कॉम्प्लेक्स अलग फॉर्म कर लेंगे, एंड इलेक्ट्रोफाइल आकर यहाँ से जुड़ जाएगा, समझिए थ्योरी में। स्टेप वन में क्या हो रहा है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू अ पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन टू फॉर्म एरेनियम आयन। यानी कि जो पाई बॉन्ड में होगा उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और एरेनियम आयन, यानी कि एरेनियम आयन कहते हैं जो हमारा ये बना है, एरेनियम आयन एक फॉर्म कर लेगा, ठीक है? सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डीप्रोटोनेशन। क्या क्यों कह रहे हैं हम, यहाँ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, प्रोटोनेशन यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन, एंड डीप्रोटोनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ CH बॉन्ड एंड रिस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी बाय फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। तो अब देखिए, यहाँ पर CH बॉन्ड टूट रहा है, बट दोबारा से अब आप ये सोचोगे कि जब हमारा हाइड्रोजन हट गया तो डीलोकलाइजेशन कैसे हुआ। बट स्टूडेंट, यहाँ पर CH बॉन्ड जब टूटेगा तो वहाँ पर कोई अदर कंपाउंड भी तो आ रहा है ना, ये भी तो आप सोचिए, अदर एटम आ रहा है, अदर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो वो दोबारा से पाई बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन शो कर देते हैं, दोबारा से एरोमेटिसिटी बरकरार हो जाती है, ठीक है? ये जनरल मैकेनिज्म था, आई होप आपके समझ में आया होगा। अब करते हैं एक एक करके सारी रिएक्शंस की बात। अब बात करते हैं अपनी रिएक्शंस की। तो पहली रिएक्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन क्या मतलब हो रहा है, मतलब हैलोजन का एडिशन, तो हैलोजन का इसमें एडिशन होगा हैलोजिनेशन रिएक्शन में। तो वैन बेंजीन रिएक्ट विद हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हैलोजन होते हैं एज यू नो, इन लो टेम्परेचर, इन एबसेंस ऑफ लाइट एंड प्रेजेंट ऑफ लुइस एसिड लाइक एनहाइड्रस एलिनियम क्लोराइड, इट फॉर्म क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो आप रिएक्शन समझिए, जब भी कोई बेंजीन किसी भी क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड किसी से भी रिएक्शन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका प्रेजेंस होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है? इसको कभी मत भूलना, इसकी वजह से आपका, अगर आपने ये नहीं रखा तो रिएक्शन गलत मानी जाएगी, ओके? तो समझ में आया, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एनी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट फॉर्म क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, जो भी कंपाउंड है हैलोजन है उसके बेस पर हमारा नेम दर्ज जाएगा, प्लस HCl रिमूव हो जाएगा, H यहाँ से होगा एंड एक Cl यहाँ से होगा, तो HCl, ठीक है? यही सेम ब्रोमीन के गैल दिखा रखी है, आप देख लेना। अब देखते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपको सारी रिएक्शन का लिखना है, और सारे रिएक्शन का बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है, आप सारे एक ही फॉर्मूले से लगे रहना, बिल्कुल इसमें अलग कर रहे हैं, उसमें अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल एक फॉर्मूला बना के चलो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है?
अब मैकेनिज्म देखिए, दिस रिएक्शन अकर्स इन थ्री स्टेप। आपको लोग वहाँ तो दो स्टेप बताए थे, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी हम स्टेप में कंसीडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट वही आता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म। इलेक्ट्रोफाइल कैसे फॉर्म होगा, जो हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल थे, क्लोरीन के जो क्लोराइड के मॉलिक्यूल हो रहे हैं, वो रिएक्ट करेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि हमारा एक कैटलिस्ट वर्क करता है, उसके साथ रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड रहता है ये Cl के पास चला जाएगा, तो इस पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो Cl होता है इधर आ जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्म हुआ है ये हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म। अब यही जाके अटैक करेगा नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप वही है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोफाइल अटैक टू बेंजीन एंड फॉर्म कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाएगा जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है हमारे किसी कंपाउंड पे, बेंजीन पे ही हो रहा है यहाँ। तो ये जो बना है ना, ये इंटरमीडिएट यानी कि बीच में जो बना है उसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन, कार्बो यानी कि कार्बन, कैटायन यानी कि जो प्लस चार्ज आ रहा है इस पर, इसलिए आप समझ गए होंगे ना, क्लोरीन यहाँ पर ऐड हुआ है। और ये H तो पहले से ही था बट यहाँ पे शो नहीं है, तो मतलब आपको ऐसे नहीं सोचना है, अगर यहाँ H नहीं लगा है तो H नहीं है, यहाँ पर सारी पोजीशन पर H है, इस पर ऐड हो रहा है तो हमने इसको ही दिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक H आ गया तो यहाँ का जो बॉन्ड हट गया, बिल्कुल हट गया, तो बीच में यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बीच में भी कुछ डीलोकलाइजेशन इंबैलेंस हुआ है ना, स्टेबिलिटी थोड़ी लॉस हुई है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है स्टेबिलिटी को बनाने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। एट लास्ट इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम कार्बोकैटायन एंड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब जो ये एच है इसको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है, कार्बोकैटायन बना था ना वही है। तो अब ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप में AlCl4- बना था ये रिएक्ट करेगा एच के साथ और इसको ले जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगा तो AlCl3, आपने सुना होगा जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो बिल्कुल आपने सही सुना है, AlCl3 हमको बाद में ऐसा का ऐसा ही मिल जाएगा। तो ये एक Cl देने की कोशिश करेगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक Cl H के साथ बॉन्ड बना लेगा, HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। AlCl3 जो हमने फर्स्ट यूज़ करा था वो ऐसे का ऐसा ही बचा हुआ है। ठीक है, आपकी हैलोजिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन क्या रिएक्शन है, नाइट्रेशन रिएक्शन है जिसमें हमारा कोई भी नाइट्रो ग्रुप हमारा ऐड हो जाएगा बेंजीन के साथ एंड फॉर्म करेगा नाइट्रो बेंजीन। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव नाइट्रो बेंजीन एंड दिस रिएक्शन H एटम इज रिप्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप। यानी कि बेंजीन है वही है, अब ये रिएक्ट करेगा HNO3 यानी कि ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, और हमको देगा नाइट्रो बेंजीन। वही है नाइट्रोबेंजीन यानी कि नाइट्रो ग्रुप आके बेंजीन पर ऐड हो गया, तो वही नाइट्रोबेंजीन, H2O रिमूव हो गया ऐसे। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म तो गाइस सबका देखना पड़ेगा ना। मैकेनिज्म देखिए, दिस रिएक्शन करेंसी थ्री स्टेप जनरल है। फर्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसमें भी था मतलब सेम ही है सारी रिएक्शन, बस आपको ध्यान रखना है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो रहा है, क्या रिएक्शन है, कौन सा ग्रुप आके ऐड हो रहा है। ठीक है, बस फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म्ड। तो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कैसे होगा, तो वही कैटलिस्ट एंड जिसके साथ रिएक्शन हुई उसके साथ वही हमारा कैटलिस्ट फॉर्म मतलब इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेगा। तो ये होता है हमारा H2SO4, इसको हम ब्रेक करके लिख लिया, H पॉजिटिव माइनस नहीं है बॉन्ड है, HSO4 नेगेटिव। ठीक है, मतलब खोल के लिख लिया एज अ बॉन्ड के रूप में। तो अब ये रिएक्ट करता है फिर HNO3 को हमने ऐसे लिख लिया, एच बॉन्ड ओ बॉन्ड NO2 HNO3। ठीक है, वही है, खोल के लिख लिया है बस। तो अब ये जो H है प्लस वाला ये एक्ट करेगा हमारे ऑक्सीजन पर और यहाँ पर एक कैटायन फॉर्म कर लेगा, प्लस चार्ज आ जाएगा ना क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो तीन चार होती है, तो यहाँ पर तीन ही है अभी। ठीक है, वही बात है। अब ये जो NO2 होता है, अब HSO4 अलग बच गया। ठीक है, HSO4 हमारा अलग ऐसा ही रहेगा, लास्ट में जाके यूज़ करेंगे हम इसको। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो NO2 होता है ये बाहर निकलने की कोशिश करता है अपना अलग, तो ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन को दे देगा, तो H2O अलग निकल जाएगा एंड NO2 इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अलग निकल जाएगा। ठीक है, आया ना समझ में, H2O यहाँ से अलग हो जाएगा एंड NO2 यहाँ से अलग हो जाएगा। NO2 ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो कि ऐड होगा अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप क्या, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आफ्टर डैट NO2
यानी कि नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल अटैक टू द बेंजीन एंड फॉर्म कार्बोकेटायन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो हमारा फॉर्म हुआ है यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप NO2, ये एक्ट हमारे बेंजीन पर जाकर एकदम अटैक करेगा और अटैक यहाँ पर से पाई बॉन्ड ये जो ये हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अंदर से कुछ डीलोकलाइजेशन स्टेबल अनस्टेबल होगा, यहाँ पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा एंड NO2 ये जुड़ गया, इसका एच भी यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। गाइस थर्ड स्टेप आता है हमारा रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। एट लास्ट कार्बोकेटायन लॉस हाइड्रोजन ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड गिव फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि ये जो HSO4 गाइस आपने शुरू में देखा था ना, HSO4 निकला है, वही एक्ट करेगा हमारे हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा और जो हमने कैटलिस्ट एज अ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करा था वो हमारा ऐसे का ऐसा ही निकल जाएगा। ठीक है, और NO2 ग्रुप जुड़ी गया है तो ये हमारा फॉर्म कर लेगा नाइट्रोबेंजीन एंड H2SO4 निकल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की जो कि हमारी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन यानी कि कोई SO3H जो हमारा सल्फोनिक ग्रुप होता है वही ऐड हो जाएगा एंड सल्फोनिक एसिड फॉर्म करेगा। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 इट गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन में जब भी कोई H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, अब यही सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ तो ये बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस H2O। सल्फोनेशन क्यों करें, क्योंकि इसमें SO3H ग्रुप ऐड हो गया है इसलिए सल्फोनेशन रिएक्शन कहलाई जाती है। ओके, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय SO3H इलेक्ट्रोफाइल। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये हमारा अटैक करता है और यही हमारे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, समझते हैं इसका मैकेनिज्म वही है थ्री स्टेप में होगा। फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा जो कि हमारा H2SO4, इसके हम दो मोल ले लेंगे और ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा H3O, HSO4 नेगेटिव बनाएगा, SO3 बनाएगा। ठीक है, SO3 और HSO4 और H3O, ये बात ध्यान रखना, ये वाला प्लस आएगा, HSO4 माइनस, SO3 ऐसे का ऐसा ही जो कि होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, यही जाकर एक्ट करेगा। ठीक है, सेकंड में अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा SO3, ध्यान रखना SO3H नहीं है, सिर्फ SO3 है। ओके, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोफाइल अटैक टू बेंजीन एंड फॉर्म कार्बोकेटायन। यहाँ पर देखिए बेंजीन है, अब ये जो SO3 है, SO3 को देखो खोल कर लिख लिया है हमने। ठीक है, तो SO3 जाकर सीधा अटैक करेगा, इस पर कार्बोकेटायन बना लेगा। ओके, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, आपको पीछे पता ही दिया यार, कितनी बार बताऊंगा। थर्ड स्टेप आ जाता है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। आफ्टर डेट कार्बोकेटायन लॉस हाइड्रोजन जो कि होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्म सल्फोनिक एसिड NIN। तो अब यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाता है गाइस रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि जब पहले H2SO4 होगा ये हाइड्रोजन को ले जाएगा। ठीक है, H2SO4 निकल जाएगा प्लस SO3, मतलब अभी सल्फोनियम आयन बनाए, सल्फोनिक एसिड नहीं बनाए, अभी सल्फोनियम आयन बनाए। अब देखिए गाइस जो H3O बना था हमारा पहला वही इलेक्ट्रोफाइल के साथ H3O प्लस में, तो यहीं से प्लस मतलब अधिकता हो रही है इस इलेक्ट्रॉन की, तो यहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक प्रोटॉन जाकर अटैक करेगा इस माइनस वाले पर। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो SO3H फॉर्म कर लेगा और H2O के रूप में ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि एक H यहाँ से हट गया ना, तो यही होता है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाता है एट लास्ट। ठीक है, एंड आफ्टर डेट सल्फोनिक एसिड प्रोटोनेटेड एंड फॉर्म एंड प्रोडक्ट, वही बात है, अनलाइक अदर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। एंड गाइस और जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन होती है वो हमारी इरिवर्सिबल होती है, यानी कि दोबारा वापस से कमबैक नहीं करती है, बट सल्फोनेशन रिएक्शन में ऐसा नहीं हो, वो इधर मतलब जैसे अब ये बनाए तो इससे हमारा बेंजीन अलग भी हो सकता है, मतलब रिवर्सिबल है। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, इसका एसाइलेशन भी है बट हम पहले देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है तो इस वीडियो को देखना। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इज बेंजीन इज रिप्लेस बाय एल्काइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूज एसिड लाइक AlCl3, BF3, FeCl3। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है किसी भी एल्काइल ग्रुप से, एल्काइलेशन हो रहा है तो एल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा, वही बात है, बट किसकी प्रेजेंस में, किसी भी लुइस एसिड की प्रेजेंस में। तो अब समझिए यहाँ पर जनरल देखिए, पहले एक बेंजीन है, एल्काइल क्लोराइड यानी कि आर ग्रुप कोई भी एल्काइल ग्रुप एंड क्लोराइड वही कोई भी हेलोजन ब्रोमीन ऐसे कुछ ऐड होगा किन किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है ये सीधा अटैक कर देता है हमारे बेंजीन पर और एक हमारा एल्काइल बेंजीन फॉर्म कर लेता है और HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी रिएक्शन, बेंजीन है CH3Cl यानी कि मेथाइल क्लोराइड है,
तो एनहाइड्रस हेल्थ ए एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में होगा, तो ये सी एच थ्री ग्रुप जाके यहाँ पे एड सब्सटीट्यूट हो जाता है एंड सब्सटीट्यूट कर देता है हमारे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन सी एल के साथ बॉन्ड बना लेगा, एस सी एल अलग निकल जाएगा। ठीक है, इसका कंपाउंड का नाम है टाउलुइन। अब इसका देखते हैं हम मैकेनिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंपल बात है, दिस रिएक्शन अकर्स इन थ्री स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म व्हेन ए एल सी एल थ्री इज रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड। तो सब आप सबको पता चल गया होगा यार अब, कि जो हमारा जिसके साथ रिएक्शन हो रही है और जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर सी एच थ्री ग्रुप ऐड होना है, तो आप सी एच थ्री को ही इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, तो सी एच थ्री अपना इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बाहर निकल जाता है और ये सी एल जाके पहुँच जाता है ए एल सी एल थ्री के पास, जो कि एक नेगेटिव आयन फॉर्म कर लेता है ए एल सी एल फोर माइनस। ठीक है, आफ्टर डैट फॉर्म कार्बोकेटायन, मतलब कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है, इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब अटैक करता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो एक कार्बोकेटायन फॉर्म कर लेता है, सिंपल बात है ना, सेम रिएक्शन है सारी। तो सी एच थ्री आके अटैक होगा, या सी एच थ्री यहीं पर जुड़ जाएगा, एच बी है तो इसलिए हमारा प्लस आ जाएगा यहाँ पर इस पोजिशन में। ठीक है, कहीं थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है हमारा रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। आप सबको पता है ना रिमूवल होता है थर्ड स्टेप में, तो वही है, एट लास्ट ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन रिमूव एंड इट एक्सेप्टेड बाय बेस। ठीक है, अब समझिए, मतलब यहाँ पर सी एच थ्री एच दोनों है, तो अब जो ए एल सी एल फोर हमारा शुरू वाली रिएक्शन में यानी कि फर्स्ट स्टेप में बनाता है, वो रिएक्ट करेगा इस एच के साथ एंड एक सी एल मॉलिक्यूल इसको दे देगा एच सी एल के रूप में बाहर निकलने के लिए, और ए एल सी एल थ्री खुद निकलेगा। ए एल सी एल थ्री वही है कैटालाइज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये जो कि तो ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा एल्काइल फ्लोराइड, यानी कि आर एफ, देन आर सी एल, आर बी आर, देन आर आई। तो ये R क्या है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, सी एच थ्री, सी एच टू एच फाइव, सी थ्री एच सेवन, कोई भी हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरिन, देन क्लोरिन, देन ब्रोमिन, देन आयोडीन। ओके, वही बात है, आर एफ इज मोर रिएक्टिव देन आर आई, आर आई इज लेस रिएक्टिव, पता ही है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी कुछ लिमिटेशंस की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, आपके सिलेबस में दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है, एराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो जो हमारे इसमें रिएक्शन में आपने देखा होगा एल्काइल हैलाइड यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, एल्काइल यानी कि सी एच थ्री, सी टू एच ओ, ये हैलाइड हमारे यूज़ हो रहे हैं, बट यहाँ पर हम इसकी जगह एराइल हैलाइड नहीं यूज़ करते, कोई भी एरोमेटिक रिंग नहीं यूज़ कर सकते किसी भी आर की जगह। ठीक है, जो हमारा आर था एल्काइल ग्रुप, उसकी जगह हम कोई भी रिंग यूज़ नहीं कर सकते, जो कि होते हैं हमारे एराइल ग्रुप। सेकेंड है, एलिनील एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जो कि हमारा एनिलीन एक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, और कुछ अदर एरोमेटिक कंपाउंड ये अंडरगो मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देते हैं। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फेल्ड व्हेन यूज्ड विद कंपाउंड सच एज नाइट्रोबेंजीन एंड अदर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। गाइस देखो, जो हमारा नाइट्रो ग्रुप होता है ना, वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये आप आगे जाके देखोगे, अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा जहाँ पे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट अटैक करते हैं वो कैसे करते हैं उसमें है। तो बस आप समझ लीजिए, नाइट्रोबेंजीन और कुछ अदर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, वो भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देते हैं। ठीक है, इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन अकर्स, सो ओनली सर्टेन एल्काइल बेंजीन कैन बी मेड ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू रीअरेंज। अब गाइस देखिए, किसी किसी कंपाउंड में ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने जो हमारे कैटायन होते हैं उसको रीअरेंज कर ले। ठीक है, बट कुछ कंपाउंड नहीं कर पाते हैं, तो जिसमें टेंडेंसी होती है ये कैटायन को रीअरेंज करने की, वही रिएक्शन देते हैं हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और जिनमें टेंडेंसी नहीं होती है वो हमारे नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अदर प्रॉब्लम इज डेट द प्रोडक्ट इन द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एल्काइल बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन पॉली सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म। यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है, यानी कि रिएक्टेंट जो इससे स्टार्ट हो रही है एंड प्रोडक्ट यानी कि जिस जो फॉर्म हो रहा है, तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए, हम जो स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं, स्टार्ट मटेरियल का है हमारा बेंजीन, उसको ही हम एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं। ठीक है, ये थे हमारे कुछ लिमिटेशन, आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है रिएक्शन। ओके गाइस, नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या है, एसाइल ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इज बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय एसाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूस एसिड लाइक ए एल सी एल थ्री एनहाइड्रस। तो कैटलिस्ट तो हमारा यहाँ पर सेम ही रहने वाला है, एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री, बस आप एक ग्रुप समझिए, एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप क्या है, एक आर मतलब एल्काइल ग्रुप अलग होगा एंड सी ओ यानी कि कोई कार्बोनिल ग्रुप भी ऐड होगा इसमें, एंड एक्स क्या है, हेलोजन। ठीक है, तो ये जो आर सी ओ है ये ऐड हो जाता है हमारा बेंजीन पर जाकर, इसको ही हम कहते हैं एक एसाइल ग्रुप एडिशन ऑफ
इन द बेंजीन, ठीक है, रिएक्शन से आप समझोगे बेंजीन है। अब ये हमारा कोई भी एसाइल ग्रुप एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड आपको सबको पता है AlCl3 की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, तो CO यहाँ से देखिए COCH3 ये जुड़ जाएगा यहाँ पे COCH3 एंड HCl, ये Cl बचा और यहाँ से एक H हटेगा तो वही HCl फॉर्म कर लेते हैं HCl, ठीक है। आप आई होप रिएक्शन आपके समझ में आएगा, मैकेनिज्म देखिए मैकेनिज्म से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। सेम उसी की तरह होने वाली है एल्काइलेशन की तरह, तो फर्स्ट स्टेप आता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एनहाइड्रस AlCl3 एंड फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल। ये जो हमारा CH3COCl है वो AlCl3 से रिएक्ट करेगा और वही इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो हमारा अटैक करता है। अब आप सबको पता है CO CH3 ग्रुप ऐड हो रहा है तो वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, यस। तो इलेक्ट्रोफाइल CO CH3 अलग हो जाता है और ये Cl चला जाता है AlCl3 के पास, ठीक है, और ये AlCl3 माइनस फॉर्म कर लेता है एंड CH3CO प्लस, इलेक्ट्रोफाइल है तो प्लस चार्ज आएगा ही, ओके। सेकंड स्टेप आता है हमारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ है ये अटैक करेगा जाकर बेंजीन पे, ठीक। आफ्टर डैट इलेक्ट्रोफाइल अटैक टू द बेंजीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन, यही है ये फॉर्म यहाँ पे अटैक करेगा जाके एंड फॉर्म करेगा कार्बोकेटायन को। अब बताने की जरूरत नहीं है गाइस, आप पीछे पांच रिएक्शन पढ़ चुके हो, ठीक है गाइस। थर्ड स्टेप आता है इसका रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। एट लास्ट ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन एटम जो है रिमूव फ्रॉम कार्बोकेटायन एंड इट अप्रोच AlCl4 एंड फॉर्म एंड प्रोडक्ट, यानी कि ये जो H है यहाँ पर वो अप्रोच करेगा किसके साथ, AlCl4 के साथ, एंड इसके साथ निकल के बाहर हो जाएगा और ये COCH3 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। AlCl3 अलग निकल जाएगा और ये जो एक एच यहाँ से एक Cl यहाँ से HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, इसका नाम है एसिटोफिनोन, ठीक है। अब यहाँ पर नोट देखिए, एक ध्यान में रखने वाली बात क्या है, दिस रिएक्शन वर डेवलप्ड इन ईयर 1877 बाय फ्रेंच केमिस्ट चार्ल्स फ्रीडल एंड अमेरिकन केमिस्ट जेम्स क्राफ्ट, ठीक है। तो अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट आपके नाम दिमाग में कभी ना कभी आया होगा, फ्रीडल क्राफ्ट ही क्यों कहते हैं इसको, तो फ्रीडल एक फ्रीडल अलग एंड क्राफ्ट अलग, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, ये फ्रेंच केमिस्ट थे एंड ये अमेरिकन साइंटिस्ट केमिस्ट थे, ठीक है। तो इसी के नाम पर है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब इसकी देख लेते हैं कुछ लिमिटेशंस, दोज एरोमेटिक कंपाउंड विच आर लेस रिएक्टिव देन मोनो हेलोबेंजीन कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। जो हमारे मोनो हेलोबेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन होते हैं वो हमारे मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं दे सकते, ठीक है। सेकंड है एसाइलेशन रिएक्शन ओनली इल्ड कीटोन। अब ये जो एसिटाइलेशन रिएक्शन है ये सिर्फ कीटोन को ही फॉर्म करती है, ठीक है। कीटोन क्या होता है, जिसमें COO ग्रुप होता है हमारा, ठीक है। एसाइड एमाइन कैन नॉट बी यूज इन द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन विद लुइस एसिड, दे आर हाईली अनरिएक्टिव। अब जो हमारे एसाइल एमीन होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं दे पाते हैं, क्यों, क्योंकि इन द बाय द प्रेजेंस ऑफ ल्यूस एसिड, वहाँ पर ल्यूस एसिड तो जरूरी है, तो ल्यूस एसिड के साथ हाईली अनरिएक्टिव हो जाते हैं वो एसाइल एमाइन, ठीक है, तो इसलिए वो रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। कोई आपकी रिएक्शन आप कंप्लीट होती है, हमने हेलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन चारों देख ली। आपका ए चैप्टर हमने पहले ही कंप्लीट करा दिया, बी चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, तो अब बात करेंगे सी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, शेयर जरूर करिए, ठीक है। नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या व्हाट्सएप ग्रुप को विजिट कर सकते हैं आप। थैंक यू।